हेलो, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, मनाली हंटर। और आज मैं आपके लिए आया हूँ रोहतांग पास से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा कि रोहतांग पास इस बार ओपन हो चुका है थोड़ा जल्दी, और आप लोग आ सकते हैं मनाली में और रोहतांग पास में एंजॉय कर सकते हैं स्नो का और एंजॉय कर सकते हैं यहाँ की वादियों का। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप रोहतांग पास जाएंगे तो आपको रोड के दोनों साइड बर्फ़ की जो दीवारें हैं वो देखने के लिए मिलेगी, जिसके बीच में से आपकी जो गाड़ी है जब वो निकलेगी तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा घूमने का। अगर आप लोग आना चाहते हैं मनाली इस सीज़न में तो आ सकते हैं। यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, आप लोग खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि रोहतांग पास के लिए ओनली 1200 गाड़ियां ही अलाउड है पर डे, जिसमें से 400 डीजल गाड़ी और 800 पेट्रोल गाड़ियां को ही यहां पे आने के लिए परमिट मिलता है। और जो गाड़ियां यहां नहीं आ पाती उन्हें स्नो देखने के लिए बारालाचा जाना पड़ता है। बारालाचा मनाली से 180 किलोमीटर है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। और अगर आपको परमिट मिल जाता है रोहतांग पास का तो आपको बारालाचा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे अच्छा खासा स्नो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं सीजन की वजह से जाम लगा हुआ है चारों तरफ रोड पे, कंजेस्टेड रोड होने की वजह से पार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से रोड के साथ में ही ड्राइवर अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से जाम लगा रहता है। और दोस्तों, जैसा आप यहां देख सकते हैं, यहां पे याक राइड भी है ताकि आप इसका आनंद उठा सकें। बाकी एडवेंचर एक्टिविटी की बात करें तो आपको यहां पे स्कीइंग, ट्यूब स्लाइड, फोटोशूट, जॉर्बिंग बॉल, माउंटेन बाइक्स और स्नो स्कूटर जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो जाएगी। बाकी अगर आप ऑन द वे आएंगे तो आपको मड़ी के अंदर पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं और जिप लाइन भी होता है ऑन द वे, अगर आप वो भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जाम का बुरा हाल है, पर यह है कि यहाँ पे आने के बाद आप खुश हो जाएंगे। ये देखो, यहाँ का व्यू बहुत ही मस्त और बहुत ही सुंदर व्यू है, चारों तरफ बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और यहाँ जो हवाएं हैं वो बहुत तेज चलती है, जिससे कि आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलता हूँ वीडियो में। और दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से क्योंकि बड़े दिनों बाद मैंने ये ब्लॉग बनाया है, क्योंकि मेरे फ़ोन में ज़्यादातर स्पेस नहीं रहता है, इसकी वजह से मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ डेली अपडेट वीडियो बनाने के लिए। और यहाँ पर आप हिमाचल टूरिज़म की बस भी देख सकते हैं। अगर आप हिमाचल टूरिज्म की बस से आना चाहते हैं तो पर पर्सन 600 रुपये सीट दे के आप रोहतांग पास आ सकते हैं। और इसी ऐसी ही अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए मनाली के रिगार्डिंग आप मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपको कुछ भी पूछना हो मनाली के बारे में, टैक्सी बुकिंग, होटल बुकिंग, सब तुम्हारा भाई अवेलेबल करा देगा इजी रेट में आपको। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं यहीं पे। तो बाय दोस्तों।